आज साढ़े नाल ने गुरमीत सिंह जी शंटी। शंटी जी, असीं गल करांगे पिछले दिनों दे विच जिहड़ी एक लैटर आप जी वल्लों लिखी गई सी गुरद्वारिआं नूं लै के, ते कल अज जिहड़े ने गुरद्वारा जिहड़े ने सारे खुल गए ने, ते हुण तुसीं की कहना चाहोगे? देखो जी, सब तों पहले वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं उहदे च इही कहना चाहांगा कि जिस तरह तुहानूं सारिआं नूं पता ही, जिवें तुसीं जिक्र कीता कि पिछले महीने असीं एक लैटर लिखी सी दिल्ली दे अपना CM साहब नूं, अपना LG साहब नूं, होर हिंदुस्तान दे होम मिनिस्टर अमित शाह जी नूं, जिहदे च असीं डिमांड कीती सी कि जिस तरह बाकी चीज़ां दे विच रिलैक्सेशन दित्ती जा रही है लॉकडाउन दे विच, उस तरह वो लोग जिहड़े गुरु घर दे विच या अपने अपने धार्मिक स्थलों दे विच अपने अपना गुरु महाराज नूं या अपने अकाल पुरख नूं या उस ईश्वर नूं सजदा करना चाहुंदे हन, उन्हां लोगों वास्ते भी कोई ना कोई रिलैक्सेशन दित्तियां जाण और ये धार्मिक स्थलों नूं खोलिया जाए, ताकि वो लोग उत्थे जाके अपने इस जो अज करोना की महामारी फैली हुई है उसके प्रति अरदास भी कर सकन और पूरे संसार की चढ़ती कला लई, समाज की चढ़ती कला लई, सारे की चढ़ती कला लई, देश की चढ़ती कला लई उत्थे अरदासां कर सकन, ताकि करोना की महामारी तो सानू सारिआं नूं निजात मिले। तो सब तो पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहवांगा हिंदुस्तान की सरकार का और स्टेट गौरमेंट का भी, दिल्ली की सरकार का भी, कि जिन्होंने साड़ी इस मेरे वर्गे होर बहुत सारे लोग होणगे जिन्हां दे मन दे विच इस तरह की तंग सी और जिस जिस तरीके नाल उन्होंने सरकार नूं अप्रोच किया होगा, मैं समझदा कि गुरु महाराज अकाल पुरख ने उन्हां सब की गल नूं सुनिया है। तो अज उसका नतीजा यह निकलिया कि अज 8 तरीक तो यह सारे लॉकडाउन दे विच इस चीज़ की रिलैक्सेशन दित्ती गई है कि जिन्ने भी धार्मिक स्थल ने वो खोल दिते जाणगे और उन्हां दे विच संगत ये किसी भी रूप दे विच किसी भी धार्मिक स्थल ते दर्शन करन लई जा सकती है। मैं समझदा कि जिथे अज वो सारा दा, मैं दोनों स्टेट गौरमेंट दा और हिंदुस्तान दी सरकार दोनों दा जिथे धन्यवाद करदा, उत्थे हुण मैं नाल जिहड़ी अगली गल कहना चाहना कि ये तो हो गई पहली गल कि जो मंग असी मंगी तो उस दे उत्ते सरकारां ने मोहर ला के साडी उस गल नूं सुणिया। हुण जिहड़ा असली रोल बनता है, खाली ये नहीं कि असी मंग मन्नी, गुरुद्वारे मंदिर ते मस्जिद या चर्च सारे खुल गए तो असी हुण मस्त हो गए बह जाइए, हुण जिहड़ी अगली जिम्मेवारी बनती है, मैं इहदे च इह कहना चाहवांगा कि हुण साडे वर्गे उहनां लोकां दी बनती है जो सब तो पहले किसी ना किसी रूप के अपने अपने वार्ड के अपने अपने इलाके के प्रतिनिधित्व करते हैं, भावें वह दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का एज ए मैंबर होव, चाहे राजनीतिक पार्टिया के नुमाइंदे हो, जो जो अपने अपने इलाकों के चुने हुए हैं, अज सब तो पहले उन्होंने जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने धार्मिक स्थलों के उत्ते असी वो सारी चीज़ों प्रोवाइड कराइए और वो सारे इंतजाम करवाइए, ताकि जिते संगत बिल्कुल सुरक्षित होकर अपने गुरु महाराज के या अपने इष्ट को मत्था टेक सके और गुरु घर की खुशियां ले जा सके। मैं जिते तक समझदा कि सब तो पहले जिम्मेवारी जी बनी है साडे वर्गे लोगों की बनी है, जिसनों मुख रखदे होया तुसीं जिस तरह देखिए कि मैं अपने इलाके के जिन्हें भी धार्मिक स्थल ने भावें किसी भी धर्म नाल बिलोंग करते हो, सारे धार्मिक स्थलों वास्ते सैनिटाइजर और उन्होंने स्प्रे करने वाली मशीनस और उस दे नाल सारे जड़े उत्थे काम करने वाले हैं, जड़े पुजारी ने या जड़े गुरु महाराज के ग्रंथी ने या गुरु महाराज के घर के भी जड़े सेवादार ने या रागी साहबान ने या होर इस तरह धार्मिक स्थलों के अलग अलग जड़े एवं जो लोग ने जड़े उस व्यवस्था के सारी व्यवस्था में संभाल देन, उन्होंने वास्ते मैं सारा समान मतलब एकत्रित किया। हूँ मैं ये सारा समान उन्होंने कल तो उन्होंने धार्मिक स्थलों के सारा उन्होंने दे के और इस गल की मतलब उन्हों मतलब मजबूती देंगा कि जो भी लोग इतने मत्था टेकन आन वो सारियां सैनिटाइजर के नाल और सोशल डिस्टेंसिंग के नाल और मास्क पा के किस तरह उस दे गुरु महाराज के दर्शन करन, ताकि इस बीमारी को किसी रूप के उत्थे फैलन का मौका ना मिले। तुसीं देख ही रहे हो सारा समान जिस तरह सैनिटाइजर ए मास्क और जड़ी मशीनां ने हुण असीं सारे धार्मिक स्थलों पर पहुँचाने हैं। मैं समझदा हाँ कि इस दे विच मैं जिन्ना अगर किसी के सहयोग की गल करा तो साहिल फैशन बाजार के सरदार अमरजीत सिंह जी, मैं उन्होंने भी धनवादी हाँ कि वो इस तरह की हर सेवाओं के अपना हिस्सा बनाते हैं, तो गुरु घर के कोई भी उपराला हो वध चढ़ के हिस्सा भी लेंदे हैं। दूसरी जड़ी जिम्मेवारी बनती है वह बनती है उत्थे दे प्रबंधकों की, चाहे वह मंदिर के हो चाहे गुरुद्वारे के हो या होर किसी धार्मिक स्थल के हो, प्रबंधकों की जिम्मेवारी बनती कि जितने भी लोग उत्थे मत्था टेकन आन सब तो पहले सुनिश्चित करन कि कदे भी 5-10 लोगों तो ज़्यादा उस धार्मिक स्थल के अंदर ना हो और लोग आन और सिर्फ मत्था टेकन और अरदास करन जिस भी रूप के करना चाहते हैं, उत्थे बैठन की इजाजत हले शुरुआत बिल्कुल एकदम ना दी जाए, उन्होंने सिर्फ यही बेनती की जाए कि तुम आओ अपने जो भी तुहाडा मन दे विच श्रद्धा है उन्होंने मर्यादा अनुसार उसनों पूरा करो, जिस भी मर्यादा दे विच जो धर्म की पालना होंदी है उसनों पूरा करो और गुरु महाराज के अपने इष्ट के दर्शन करके चले जाण। तीसरी जिम्मेवारी बनती है श्रद्धालुओं की, जिहड़े गुरु घर के भावें मत्था टेकन आ भावें मंदिर के भी जाण या किसी भी धर्म के भी जाण, उन्होंने भी यह जिम्मेवारी बनती है कि ये सारे नियमों का पालन वो खुद भी करन,
जिहड़े सिर ते कपड़ा लैना है या कोई रुमाल लैना या कोई होर चीज़ लैनी अपने घरां दे विच्चों साफ सुथरे लै के आन, उत्थे आ के मंदिर गुरुद्वारे दे विच किसी चीज़ नूं बहुता हाथ ना लगान। सिर जदों निवाणा है तो मैं समझदा कि जदों गुरु महाराज अगे या इष्ट अगे मत्था टेकिया जाए, तो बहुता कई बार हुंदा कि असी उस जगह के उत्ते कोशिश करते हैं कि जिते हर इंसान आके अपना मस्तक रगड़ता या बहुते उस इस सारी चीज़ों सुरक्षा का ध्यान करने की बड़ी सख्त लोड़ है। और ज़्यादा छूना छुआना भावें दरवाजे हो जिस तरह निशान साहब रहन या गुरु महाराज का पीड़ा साहब है या गुरु महाराज का स्थान है या गुरु ग्रंथ साहब है, कई लोग समझते हैं कि असं उसमें छू के शायद गुरु कर दिया हो, मतलब वो मतलब अपने आप को ज़्यादा उस पास उन्होंने लगता कि मतलब गुरु महाराज बिल्कुल एकदम जिस तरह पूरी कृपा करेंगे। पर मैं उन्होंने इन्ना कहना चाहवागा कि सब तो पहली गल तो रब साढ़े सारे के अंदर है, तो जे असी सच्चे मनो गुरु महाराज के चरणों के अरदास की भावें कितने भी बैठ के की जाए वह हमेशा प्रवान होंगी है। तो असी अज इस मौके के उत्ते इन चीज़ों का जरूर ध्यान करिए, मर्यादा का भी ध्यान करिए और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान करिए और होर जो साडे वर्ग लोग उत्थे आन उन्हां दी सुरक्षा का ध्यान करिए। अज सारे की मैं समझदा सांझी तौर पर जिम्मेवारी बनती है, सरकारां ने अपना काम कर दिता है, अज नुमाइंदियां दा, नुमाइंदियां तो बाद प्रबंधकां दा, प्रबंधकां तो बाद शरधालुआं दा, जे सारे असी मिल के अपने अपनी जिम्मेवारी समझ के इस कोरोना महामारी लड़न वास्ते अपने अपने तौर तो उपराले करांगे तो मैं समझदा हाँ फिर गुरु महाराज आपे कृपा भी करेंगे और आउंदे समय दे विच साडे सारे दी अरदासां कबूल होणगियां और जल्दी तो जल्दी इस देश दे विचों इस समाज दे विचों और मैं समझदा हाँ कि इस महामारी तो सानू सारयां नूं जल्दी तो जल्दी छुटकारा मिलेगा और असीं खुले दर्शन गुरु महाराज दे होर जिहड़ी बाकी मर्यादावां होर जिहड़े बाकी समागमन उस नूं असीं कर पावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। बिल्कुल ठीक, जिवें एक गल बड़ी वधिया कीती क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन शुरू होया उस तों लैके जब तक लॉकडाउन रहा वे सैकेंड फेज तक तो रैगूलर जिहड़ा लंगर की सेवा गुरमीत सिंह शंटी और उन्होंने साथियों वालों रैगूलर की जाती रही है और हूँ जिस चीज़ की लोड़ है उस टाइम उस चीज़ की लोड़ सी और हूँ लोड़ है कि जेड़ा भी गुरु घर जाए या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाए तो प्रीकॉशनस जड़िया ने वह जरूरी ने क्योंकि बचाव जोड़ा है प्रीकॉशनस नाल ही होना है। वो वास्ते जोड़ा इन्होंने एक उपराला किया जिमें असं देख रहे हैं कि सारा समान जोड़ा है सैनिटाइजर मशीन और मूँह ढकन वास्ते जोड़े मास्क वगैरह ने वो उन्होंने तैयार कराए ने उन्होंने देने वास्ते असी वधाई देने और गुरु साहब अगर अरदास करा कि जिस तरह ये सेवा रैगूलर करते आ रहे हैं तो गुरु साहब इन्होंने होर उद्यम और ताकत बख्शन ताकि ये जी सेवा है वो रैगूलर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।